सामने बैठे थे राहुल गांधी, मनमोहन सिंह करने लगे मोदी की तारीफ तो चोखा बन गया मुंह। गुलाम नबी आजाद की राह पर चले मनमोहन सिंह अब छोड़ देंगे कांग्रेस का हाथ। दुनिया के 19 देशों के नेताओं ने जब एक साथ की मोदी की तारीफ तो कांग्रेस हो गई बेहोश। मनमोहन सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए, सोनिया गांधी को भेज दे चिट्ठी। मोदी में दिखता है भारत का भविष्य तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो गई फुस। मनमोहन सिंह को क्यों राहुल गांधी की नीतियों से ज्यादा मोदी की विदेश नीति भा गई। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने युवराज को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही थी, वहीं इस ख्वाब में गुलाम नबी आजाद के बाद अब मनमोहन सिंह ने अड़ंगा डाल दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह को मोदी में भारत का भविष्य नजर आने लगा? क्यों मनमोहन सिंह ये कहने लगे कि मोदी की विदेश नीति बहुत सही है? कैमरा और माइक लेकर आजकल कांग्रेसी बबुआ ब्लॉगर बने हुए हैं। राहुल गांधी लद्दाख जाते हैं तो चीन के साथ विवाद का मुद्दा उठाने लगते हैं, लेकिन उन्हीं राहुल गांधी की मनमोहन सिंह ने अपने जवाब से बोलती बंद कर दी है। सबसे हैरान करने वाली बात मनमोहन सिंह ने अगर कही है तो मोदी सरकार की चीन की नीतियों पर कही। मनमोहन सिंह का मानना है कि मोदी सरकार चीन से जैसे डील कर रही है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है, ऐसा ही चीन के साथ होना चाहिए। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट में भाग नहीं लेने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आगे बढ़े उससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने कैसे मोदी सरकार की तारीफ की और क्या क्या कहा वो ठीक से सुनिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं भारत के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हूँ, चिंता बहुत कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि भारत के जिम्मे G20 की अध्यक्षता का मौका मेरे जीते जी देखने को मिला। मैं भारत को G20 शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे विश्व नेताओं की मेजबानी करते हुए देख रहा हूँ। विदेश नीति का घरेलू राजनीति पर असर होता है, लेकिन इसमें बैलेंस होना चाहिए। कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग दलगत या व्यक्तिगत राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह साहब जब ये कहते हैं कि कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, तो इसका सीधा मैसेज कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब जो राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीति पर पानी पी पी कर सवाल उठाते हैं, उन राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत की सभी चाल के मुरीद हो गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमाम दबावों के बावजूद भारत के हितों को ऊपर रखते हुए बिल्कुल सटीक रणनीति पर कदम बढ़ाया, और इसी वजह से पूर्व पीएम भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। मनमोहन सिंह का ये इंटरव्यू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपा है, जिसमें उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन से लेकर मून मिशन की कामयाबी तक का श्रेय मोदी सरकार को दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुत बदल चुकी है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों और चीन के बढ़ते तनाव के बीच। ऐसे में भारत को इस नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने का बेहतरीन मौका हाथ लगाए। उन्होंने कहा, जब दो या दो से अधिक शक्तियां किसी संघर्ष में फंस जाती हैं, तो अन्य देशों पर पक्ष लेने का बहुत दबाव होता है। मेरा मानना है कि भारत ने सही काम किया कि हमने अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखा और शांति की अपील भी की। G20 को कभी भी सुरक्षा से संबंधित संघर्षों को निपटाने के लिए मंच के रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन भारत ने ऐसा करके दिखाया है। मनमोहन सिंह की बातों में एक उम्मीद झलकती है कि मोदी सरकार के हाथों में देश का भविष्य है। मनमोहन सिंह ये भी दावा करते हैं कि ये भविष्य सही हाथों में है।